नमस्कार, देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर वन शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर आज ही किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि सिसोदिया को आपराधिक साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर बड़ा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सियासी दबाव में की गई है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में शिवसेना और समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये गिरफ्तारी 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर उतर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर नई शराब नीति इतनी अच्छी थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कानून को अपना काम करने दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे 2024 की कोई चुनावी रणनीति है। बड़ा सवाल ये भी है कि सीबीआई के मुताबिक इस शराब घोटाले के पीछे और कौन कौन है और किसके कितने किरदार हैं। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब जबकि 2024 में आम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो सियासी पार्टियां इसमें अपना नफा नुकसान टटोलने लगी हैं। इस पर करेंगे सबसे बड़ी बहस और पूछेंगे बड़े सवाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस मामले में अब तक के अपडेट पर एक रिपोर्ट। पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है। कम से कम अपने पाप छुपाने के लिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति का नाम इस्तेमाल मत करो। क्रांतिकारी विजनरी व्यक्ति को जेल में डाला गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत के तौर पे देश के इतिहास में लिखा जा। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा? तो मनीष सिसोदिया मामले पर इस न्यूज की बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। सीधे आपको राउत एवेन्यू कोर्ट ले चलते हैं जहां पर सीबीआई ने अपनी दलीलें खत्म कर लिए हैं। उनके जवाब में मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उन्होंने भी अपनी दलीलें दी। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे। सीबीआई रिमांड पर फैसला फिलहाल सुरक्षित है। मैं आपको ये बता दूं किसी भी मिनट इस कार्यक्रम के दौरान जज साहब का फैसला आ सकता है। सीबीआई की रिमांड मांगी गई है, 5 दिन की रिमांड मांगी गई है सीबीआई की तरफ से और इस फैसले को सुरक्षित जज साहब ने रख लिया है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व है। सीधे चलते हैं, राजू राज मेरे सहयोगी राउत एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए हैं। वहीं मेरे दूसरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा सीबीआई के हेडक्वार्टर से बाहर से हैं। राजू, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद है, क्या जज फैसला लिखवा रहे हैं इस वक्त, क्या जानकारी मिली है कोर्ट रूम से, और दूसरा ये जानना चाहूंगा दलीलें क्या है दोनों तरफ से।
बिल्कुल दीपक जी, बता दूं कि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई की विशेष कोर्ट एम नागपाल की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा, और किसी भी क्षण ये फैसला आ सकता है। फैसला लिखा जा रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर 5 दिनों की रिमांड, क्योंकि सीबीआई ने सिर्फ 5 दिनों की रिमांड मांगी और रिमांड के दौरान सीबीआई की ये दलील थी कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें पूछताछ करनी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन को डिस्ट्रॉय किया था और साल 2020 में जिस फोन का वो इस्तेमाल कर रहे थे उस फोन के बारे में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। दो जो सरकारी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था उन्हें आमने सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। वहीं मनीष सिसोदिया के तरफ से ये दलील दी गई उनके लॉयर के तरफ से कि मनीष सिसोदिया लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं और सीबीआई ने अब तक उन्हें 3 बार नोटिस भेजा था जिसमें से 2 बार वो जांच में शामिल हुए। सीबीआई ने उनके घर पे छापेमारी भी की लेकिन उनके घर से ना तो कुछ बरामद हुआ, ना तो उनके बैंक लॉकर से कुछ बरामद हुआ, और उनके गांव भी गई थी वहां भी उन्हें कुछ बरामद नहीं हुआ। सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है वो भी गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उन्हें बताना चाहिए था किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके आधार कुछ आधार सीबीआई ने नहीं बताया, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए थी और पूरा जो ये केस है इसमें से जो आरोपी हैं वो जमानत पर हैं और मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग करते रहेंगे और करते रहें। लेकिन जिस सवाल को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया को विपक्ष घेर रहा था वही सवाल आज कोर्ट रूम में भी पूछा गया कि अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो मनीष सिसोदिया को क्यों वापस लेना पड़ा। इसका जवाब ये दिया गया कि जो भी पॉलिसी बनाई गई थी उसे एलजी के सामने दिया गया था, एलजी की मंजूरी के बाद ही इस पॉलिसी को लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं लगभग 1 से 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से ये दलीलें चली और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और कुछ देर के बाद दीपक जी ये फैसला आएगा कि क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर रिमांड। ठीक है, राहत या रिमांड, मिनट मिनट की अपडेट आपको तार ठोके में मिलती रहेगी। राजू हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और ये कोर्ट ने उनकी खबरों पर भी लगातार राजू नजर रखे हैं। वहीं सीबीआई की क्या रणनीति होगी इस पर जितेंद्र शर्मा नजर रखे हुए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा और मुख्य सवाल, सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं उनको लेकर सीबीआई और उसके लॉ ऑफिसर्स कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी ने बताया था हम बताएंगे कोर्ट में क्या क्या हुआ, आगे की पूछताछ करनी है, कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए, कई सारी बातें आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान कही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सीबीआई के लॉ ऑफिसर्स की क्या रणनीति है। देखिए, इसमें जो सीबीआई के जो लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी दलीलें जो है अदालत में पेश कर दी हैं, और क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनको आज पहली बार अदालत में पेश किया गया है, तो इसलिए उम्मीद है कि जो भी दलीलें रखी गई है जिसमें सबसे पहले था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा जो डिजिटल एविडेंसेज जो कलेक्ट किए गए थे उनके साथ जब कन्फ्रंट किया गया तो उसमें किसी भी जानकारी को देने से वो मना कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं या उन्होंने छिपा रखे हैं उसके बारे में जानकारी जुटानी है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे डिजिटल एविडेंसेज सकते हैं। इसके अलावा जांच में जो एविडेंसेस जुटाए गए थे उनके साथ कन्फ्रंट कराना है। विजय नायर के पास कैसे पॉलिसी पहुंची, डिजिटल पॉलिसी पहुंची, उसके बारे में जानकारी जुटानी है। तो ये जो तमाम दलीलें हैं ये आज दी गई हैं। अब जब रिमांड मिल जाएगा उसके बाद जो अपनी पूछताछ होगी उसके बाद जब दोबारा रिमांड के लिए ले जाया जाएगा तब नई रणनीति बनाई जाएगी। दीपक जी, इसमें खास बात ये भी है कि जिस अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है वो एमके नागपाल की कोर्ट है। इसी अदालत के अंदर सीबीआई और ईडी दोनों के मामले देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, यानी कि ईडी भी जो कार्रवाई कर रही है शराब नीति घोटाले के अंदर उन आरोपियों को भी इसी अदालत में पेश किया जा रहा है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया को मिलाकर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले गिरफ्तार किया था विजय नायर को, उसके बाद गिरफ्तार किया था अभिषेक बोयनपल्ली को, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की और फिर गिरफ्तारी की गई बुच्ची बाबू की जो कि साउथ कार्टल की जो लॉबी है जिसमें के कविता और जो बाकी जो लोग हैं उनका वो सीए था, यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको किस तरह से पैसा रोटेट करना है और वापस किकबैक के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाना है उसकी रणनीति बनाने में बुच्ची बाबू शामिल था। अब गिरफ्तारी की गई है
मनीष सिसोदिया की, जो कि आरोपी नंबर वन है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की बात करें तो वो इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनकी कुछ दिनों पहले ही इसी अदालत से जमानत याचिका खारिज की थी। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो अदालत है जहां पर मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है, उनके लिए ये जो मामला है वो नया नहीं है। वो पूरा मामला पहले से समझ चुके हैं, उनको पता है कि किस तरह से शराब नीति घोटाले के अंदर करप्शन हुआ है, किस तरह से नीति जो बनाने में जो फैसले लिए गए थे उसमें किस तरह से करप्शन के जरिए और किकबैक के जरिए पैसे वापस आए हैं समीर महेंद्र वगैरह। तो यानी कि जो शराब नीति के बारे में जो जानकारी है वो अदालत में पहले से ही है। अब मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो मुख्य तौर पर सामने आता है क्योंकि आबकारी मंत्री होने के नाते इस पॉलिसी को डिजाइन करने में, इंप्लीमेंट करने में मनीष सिसोदिया का रोल था। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, इन तीनों के समूह को मनीष सिसोदिया हेड कर रहे थे जब ये पॉलिसी बनाई गई थी। तो यानी कि जो इस पूरे मामले को लेकर कहें तो लॉ ऑफिसर जो अगर मैं कहूँ और जो सीबीआई की टीम है वो कहीं ना कहीं निश्चिंत है कि उनके लगता है कि जो दलीलें रखी गई हैं उसके आधार पर उनको रिमांड मिल जाएगा और आगे की पूछताछ के बाद जब पेश किया जाएगा तब उनको आगे कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जितेंद्र ने महत्वपूर्ण बातें बताई है और जितेंद्र ने जो भी कहा है, सीबीआई जो कह रही है वो जितेंद्र कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सीबीआई का जो ये केस है ये इस अदालत में ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से पहले ही चल रहा है, यानी अदालत को पता है कि केस का बैकग्राउंड क्या है। और जितेंद्र ने कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई कि सीबीआई ये चाहती है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसा हुआ है। तो ये शराब घोटाला जो है जिसका आरोप सीबीआई लगा रही है वो क्या है और इस पर क्यों सियासी तलवारें खींची हुई है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा जी, मेरे साथ थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे जी भी जुड़ेंगे, मेरे साथ उमेश सहगल जी जुड़ चुके हैं जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं और एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मुदित अग्रवाल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैंने आपको बताया दिलीप पांडे जी का मैं इंतजार कर रहा हूं आम आदमी पार्टी से, इसीलिए सबसे पहले केके शर्मा जी आपके पास, आज जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं क्या आपको लगता है कि सीबीआई जो है वो इनफ एविडेंस, जिसकी बात बार बार आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि एविडेंस तो है ही नहीं, वो बता पाई है, वो समझा पाई है कोर्ट को, और आपके आरोप? बिल्कुल दीपक जी, देखिए हम पिछले एक साल से इस शराब घोटाले के मामले पर लगातार अपनी बात जनता के बीच जो है आपके मीडिया के माध्यम से रखते आए हैं और इस पर जो है जांच एजेंसियों ने संज्ञान भी लिया और संज्ञान लेने के बाद वो समय समय पर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। बात आश्चर्य की ये है कि हम पूछते हैं सवाल आम का, ये उत्तर देते हैं इमली का, सच्चाई इनको यही इसी से साफ समझ में आता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, इसलिए ये मूल विषय से भागते हैं और हर जगह इनका केवल एक ही आम आदमी पार्टी का नारा लग गया है, साफ शिक्षा मंत्री, शिक्षा फला नहीं कौन जनक है, पता नहीं क्या क्या है, वो आश्चर्य। अरे वो शराब मंत्री भी है भाई, शिक्षा मंत्री के साथ में सिसोदिया जी शराब मंत्री भी है, शराब की पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उन्होंने जो है कमीशन को 2% से बढ़ा के प्राइवेट पार्टी होलसेल को जो है 12% का कमीशन कर दिया, उन्होंने जो है सरकार को राजस्व को चूना लगाया। और आप जो है आपसे पूछो तो बच्चे वो तथा कथित पता नहीं कहां के चाचा बन गए हैं आजकल, वो बच्चों को ये बता रहे हैं कि कल उनका भाषण सुनो बच्चे ध्यान रखना मैं चाचा रहूंगा, अरे पता नहीं भैया आप चाचा रहो चाची रहो इससे क्या लेना देना, ये जो भ्रष्टाचार किया है इसका जवाब दो ना। आज तक केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या इनके कोई प्रवक्ता हो, ये शराब नीति पर बात ही नहीं करना चाहते, बात करो इनसे ये भाग के कहीं और चले जाएंगे। मैं सीधा सा प्रश्न पूछता हूं दीपक भाई कि आपने इस पॉलिसी में 2% जो कमीशन मिलता था इसको 12% प्राइवेट पार्टी को कैसे दे दिया, आपने ड्राई डे को जो है उसकी डेटे कम क्यों की, दिन के वो क्यों कम कर दिया, आपने 140 करोड़ का जो है लाइसेंस फी किसके कहने पर माफ कर दिया इन प्राइवेट पार्टियों का, ये किसका नुकसान हुआ, तो इन सब चीजों का आपको जवाब नहीं, ऐसे एक नहीं 1000 क्वेश्चंस इसमें उठे हुए और बकायदा ये सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, लोग गिरफ्तार हुए और फिर आप सोचिए इनसे आज ये पूछे, दीपक जी आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक मंत्री जो 22
विभागों का मंत्री है, मतलब टोटल 33 विभाग है, सहगल साहब उसको और एक्यूरेट करेंगे मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली में, जिसके 22 विभाग का मंत्री एक व्यक्ति बना हुआ, पर जो इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल एक भी उसके यानी मंत्री नहीं है, और ये 22 मंत्री मंत्रालय चलाने वाले व्यक्ति चार्जर सिम कार्ड तोड़ देते हैं, 16-16 मोबाइल हैंडसेट बदल देते हैं। अरे भाई ऐसा कौन सा काम आप करते हैं? ठीक है, ये तो साफ आपके जो चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई सामान्य व्यक्ति, मैं चलो मान लू आप मंत्री हैं करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे, लेकिन आप एक साल दो साल के अंदर अंदर 16-16 मोबाइल सेट जो है बदल देंगे और जो है चार्जर सिम तोड़ देंगे। केजरीवाल के जो असिस्टेंट हैं वो भी जो है अपने मोबाइल सेट बदल रहे। इस पूरे मामले में जो तथ्य निकले हैं 170 मोबाइल हैंडसेट नष्ट किए गए। क्यों किए गए? क्या ये चीजें आशंका पैदा नहीं कर रही? ठीक है, ये आप बहुत सी चीजें को छुपाना चाह रहे हैं आप। यही बस दीपक जी एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि ये जो शराब नीति थी यदि इतनी ही अच्छी आपने बनाई तो फिर आपने इसे तुरंत बदल क्यों दिया? जैसे ये घोटाले सामने आए आपने उसको तुरंत चेंज क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि आपकी पोल खुल रही थी। ठीक है, लेकिन सत्य नहीं छुपेगा। आप लाख हो हल्ला नारे लगाइए, रैली निकालिए, हंगामा कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस नाटक नौटंकी से आम आदमी पार्टी एक कट्टर बेईमान पार्टी है और अब उसका पोल खुल के रहेगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ उमेश सहगल जी के पास। उमेश जी आपसे जानना चाहूंगा इस मसले पर, चीफ सेक्रेटरी ने अपनी एक रिपोर्ट एलजी को भी दी है, चीफ सेक्रेटरी की उस रिपोर्ट के आधार पर आपको क्या लगता है ये प्राइमा फेसी केस है? क्योंकि वो रिपोर्ट भी पब्लिक है, लोगों ने पढ़ी उस रिपोर्ट के बारे में, काफी सारी चीजें पब्लिक नॉलेज में। आपने क्या पढ़ा और आपका विश्लेषण क्या कहता है? ना सिर्फ मेरे मुताबिक उसमें प्राइमा फेसी केस है, सीबीआई ने अगर केस रजिस्टर किया है तो उनके मुताबिक भी प्राइमा फेसी केस है। मतलब एक क्रिमिनल चीज इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं जो कि इस समय डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब दो तीन इश्यूज तो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिए गए, 48 करोड़ क्यों वापस कर दिया गया। बेसिक उसमें चीज़ ये है कि आपने प्राइवेट पार्टीज के साथ वो जो बाद में टेंडर दे रहे हैं उनके की उनकी सलाह मशवरा पहले ले लिया, कुछ ही लोगों का लिया। अगर सबकी मीटिंग बुला लेते और उनका सलाह मशवरा लेते तो कोई हर्ज नहीं था, कोई हर्ज नहीं होता टेंडर पेपर बनाने से पहले सब पार्टीज से मशवरा लिया जाए। पर कुछ लोगों का आपने लिया, वो भी इस एश्योरेंस से लिया कि आपकी बात मान ली जाएगी। एलिगेशन ये है कि उनके साथ जो डील हुई कि इतने 100 करोड़ रुपए हम आपको दे देंगे आप ये करा दीजिए, अब ये कह रहे हैं 2% से 12% कमीशन कर दी गई। अब ये सारी एलिगेशंस हैं, कोई इसमें से अभी प्रूव नहीं है, मगर ये एलिगेशन सीरियस हैं। अब आपका आपने 800 दुकानें पता नहीं किस बेसिस पे बना दी, आपने रेजिडेंशियल एरिया को भी में भी दुकान बनाने की इजाज़त दे दी, आपने नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में भी दुकान बनाने की इजाज़त दे दी। अरे आपने MCD से कंसल्ट किया था पहले, DDA से कंसल्ट किया था? अगर नहीं किया था तो ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि बाद में इसी के बेसिस पे 300 दुकानें नहीं खुल पाई। 300 दुकानें 800 दुकानें जिसका कि पैसा मान लीजिए इतने 500 करोड़ आना था या X करोड़ आना था, जब सिर्फ 800 दुकानों से 500 दुकानों से आपका 300 दुकानों का तो वैसे ही पैसा निकल गया। अब दिल्ली शहर इतना बड़ा नहीं है, आप गाड़ी सबके पास कारें हैं, सबके पास बाइक्स हैं, आप दूसरे एरिया में से जाके अपना शराब खरीद सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या होशियारी की? ठीक है, कि ताकि सेल कम ना हो और बढ़ जाए उन्होंने इंसेंटिव देने शुरू कर दिए, 1-for-1 free इतना परसेंटेज दे दिया जाएगा। अब फिर आपने पूरे ड्राई डेज कम कर दिए, दुकानों के टाइम चेंज कर दिए, दुकानों के आप एलिगेशन ये है बहुत सारी लेडीज रेजिडेंशियल एरिया में बहुत धरना देती रही कि आपने, और फिर एलिगेशन ये हैं कि लोगों को शराबी बनाया जा रहा है। एक बहुत पहले एग्रीमेंट हुई थी वो काफ़ी गवर्नमेंट फॉलो करती रही है उसको, ठीक है, वो मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई थी विनोबा भावे के साथ, उसमें ये था कि आप प्रोहिबिशन तो नहीं लेंगे। गांधी जी ने तो कहा था ना मैं एक दिन के लिए भी डिक्टेटर बन जाऊँगा, अगर राजा बन जाता हूँ तो मैं प्रोहिबिशन लेऊँगा, तो प्रोहिबिशन नहीं लेंगे, मगर एक 21 गाइडलाइंस इशू हुई थी, उन गाइडलाइंस को दिल्ली प्रशासन बाय एंड लार्ज फॉलो करता रहा, दिल्ली गवर्नमेंट फॉलो करती रही है, उन गाइडलाइंस को बिल्कुल ही आपने दरकिनार कर दिया।
मैं यही पर रुकूंगा उमेश जी, फिर आऊंगा आपसे, लगातार मैं राय लेते रहूंगा। लेकिन मैं दिलीप पांडे जी का इंतजार कर रहा था, थोड़े लेट हो गए, लेकिन मेरे साथ जुड़ गए हैं दिलीप जी। के शर्मा जी आपसे पहले बोल चुके हैं, क्योंकि आप थोड़ा लेट जुड़े मेरे साथ, शायद आप बिजी होंगे। मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, उनका कहना है कि कमीशन क्यों बढ़ा, पहला आरोप के शर्मा जी ने लगाया है। ड्राई डे के जो डेट्स हैं वो क्यों जो है वो कम कर दिए गए, 140 करोड़ की लाइसेंस फी क्यों माफ करी गई, ये आरोप के शर्मा जी ने लगाया है, आपका जवाब। दीपक भाई, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं इस बातचीत में ध्यान देने के लिए। पहली तो ये कि लीकर स्कैम, सो कॉल्ड जो एलएस लीकर स्कैम है बीजेपी के मुताबिक, जो पॉलिसी को लेकर डिबेट्स हैं, ये पिछले 8 महीने से चल रही है। पिछले 8 महीने से लगातार हम लोग शुरुआत में फैक्ट्स पे आकर बात करते रहे, सारे तथ्यों को उनके सामने रखा, लेकिन समझ में आया कि तथ्य के ऊपर बात करना तो भारतीय जनता पार्टी की कभी मनसा ही नहीं रही। वो तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही करप्ट है और हमारी तरह ही बेईमान है। लोगों ने विश्वास नहीं किया, नतीजा ये कि दिल्ली के अंदर उनको नगर का बाई इलेक्शन हारना पड़ा, एमसीडी का चुनाव हारना पड़ा। अब 8 महीने 10-9 महीने निकल जाने के बाद वापस उन्हीं पुराने प्राचीनतम सवालों को लेकर फिर से उस डिबेट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जताने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बहुत लेजिटिमेट है। जबकि हकीकत यह है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तीनों एक बार नहीं कई बार घर पे, दफ्तर पे, बैंक लॉकर पे और इनके पुश्तैनी गांव में जाके रेड मार चुकी, सर्च मेमो सबमिट कर चुकी, किसी भी रेड में कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, उसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, जो फर्जी में गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति का नाम नहीं है। सप्लीमेंट्री दायर की गई, उसमें भी नाम नहीं है। क्या मजाक चल रहा है? मजाक ये है कि पूरा का पूरा आरोप न सिर्फ निराधार है बल्कि हास्यास्पद भी है। 10,000 करोड़ रुपए में के शर्मा जी को मालूम भी नहीं हुआ कितना जीरो होता है, 10 रुपए के कुरकुरे नहीं है। कि कोई अगर घोटाला करेगा, रिश्वत खाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि कहां गया पैसा, क्या खरीदा, क्या बेचा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो सामने निकल कर आ रहा है। उनको डर है, उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई काल है तो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी ने जब विरोध करने की, अपनी बात रखने की कोशिश की, तो जिस तरह से अघोषित आपातकाल लगाया गया, भाजपा के इशारे पे दिल्ली की पुलिस दफ्तर के अंदर घुस के आई, जो पब्लिक प्लेस नहीं है वहां घुस के आ रही है, मारपीट कर रही है, ये सब कुछ इस बात की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो असल डिबेट है कि मोदी और अडानी के रिश्तों की जांच हो, उस डिबेट से शिफ्ट करना चाहती है पूरे नैरेटिव को, और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के जरिए उस नैरेटिव को शिफ्ट करने की, गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मुझे एक जवाब देना है। ठीक है दिलीप जी, आपने मेरे ख्याल से अपना पूरा 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 तथ्य रख दिया है, मैं आपका सिर आऊंगा, बहुत वक्त है मेरे पास। के शर्मा जी एक क्विक जवाब, फिर मुझे मुदित अग्रवाल और उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक के पास जाना है, दोनों इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपसे अपने डिबेट के शुरुआत में कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी बेईमानी इसी बात की है कि आप उससे आम का प्रश्न पूछेंगे, उत्तर वो इमली का देंगे। अभी भी इनसे आपने प्रश्न पूछा जो आरोप के, उसका एक उत्तर नहीं दिया और ये चले गए कि ये खोरा अडानी अंबानी, ये इसी से साफ समझ में आता है कि ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और दूसरी बात दिलीप भाई को मैं बता दूं कि आपकी ईमानदारी का मैं तस्वीर खोलूं तो मैं अभी आपको 10 नाम गिना सकता हूं जो आपके मंत्री जेल में हैं और किन किन कारणों से हैं। आपसे जब सत्येंद्र जैन को जेल में डाला तो आप ये कहते फिरे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया इसलिए डाला, लेकिन वो मामला था हवाला का और आज भी जेल में है। और यदि मैं मीडिया सूत्रों से कहूं तो वो बयान दे चुके हैं कि मेरा याददाश्त चला गया उस समय का, ये खबरें थी मीडिया में। तो जिस मंत्री का याददाश्त चला जाए वो मंत्री बनने लायक है, लेकिन आपने बना के रखा हुआ है। आपके यहां ही संदीप कुमार सीडी कांड में जेल में, आपके यहां जितेंद्र तोमर वकालत की फर्जी डिग्री, और ये सब वो लोग हैं जिनके, दीपक भाई आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल खुद बैठकर प्रेस करते थे कि मैंने सारा जांच लिया है, कोई फर्जी नहीं। इसी जो है जितेंद्र तोमर के मामले पर 3 दिन तक उनकी जो सफाई देते रहे ये लोग, ये विजय सिंगला, अमीन रतन, असीम अहमद खान, अमानतुल्ला खान, ताहिर हुसैन के लिए तो कितना बड़ा इन लोगों ने हंगामा किया था। लेकिन आज कह रहे कि ये अपने 15 साल में आपकी वो हैसियत आ गई कि आपके 10-10 लोग जेल में चले गए,
और आप उठे थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने के लिए आए थे। अभी ये कह रहे हैं कि ईडी का उसमें कहीं उनका नाम नहीं है, ईडी के चार सीट में दो दो जगह नाम है उनके। आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि केवल जनता को झूठ बोलने के लिए आप जो है आप पर आते हैं। आपने एक बार ये नहीं बताया कि आपने 2% से 12% क्यों कर दिया, आपने क्यों ये सारी चीजें पॉलिसी 140 करोड़ क्यों से माफ कर दिया, इसलिए नहीं बता सकते। आज भी अभी ये बात कर रहे हैं, यहां वहां शिक्षा मंत्री की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, शिक्षा का क्रांति कर दे। अरे भैया शराब मंत्री हो, ठीक है शराब मंत्री है। दिलीप पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। दिलीप पांडे जी क्या कहेंगे के शर्मा जी के आरोपों पर? मुझे लग रहा है के शर्मा जी की तैयारी पूरी नहीं है, और जो व्हाट्सएप पे उनके पास फॉरवर्ड आया बीजेपी हेड ऑफिस से वही पढ़ दे रहे हैं बेचारे। कोई बात नहीं, उनको तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना ही है। मैंने ईडी नहीं कहा था, मैंने सीबीआई कहा था, पर उनको सुनने से मतलब नहीं, खाली कहने से मतलब है, जो अमूमन हर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ होता है वो सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। अरे महोदय ईडी में है या नहीं है ये बताइए। महोदय आपकी भी आप एक तो बताइए ना, ये स्वीकार तो कीजिए ना, बोलिए इस चैनल में बात कीजिए। आपके स्तर पे उतर दोनों दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोलने ज्यादा बेहतर। मैं सहजता से अपनी बात था कि मैंने आपके बीच में मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इतना तो स्वीकार करना बहुत अच्छा। आई अप्रिशिएट दैट के शर्मा जी, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा जितनी सहजता से मैंने सुना। मतलब मैं तो झूठ सुन गया, आप सर सुनने की ताकत रखिए, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। तो ये इनका मैंडेट सुना था, उन्होंने अपना मैंडेट पूरा कर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अनुसांगिक संगठन के तौर पे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं। मैं ईडी के चार्जशीट की बात नहीं कर रहा था, मैं सीबीआई के चार्जशीट की बात कर रहा था। सीबीआई के चार्जशीट और सप्लीमेंट्री में कहीं भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर ये बात कर रहे हैं कमीशन इतना क्यों, कमीशन उतना क्यों, तो मुझे लगता है कि केके शर्मा जी को इतना तो बताया होगा भारतीय जनता पार्टी हेड ऑफिस ने जो इनको डिबेट्स पे भेजते हैं, कि वो जो कमीशन का अप्रूवल आया था वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए एलजी साहब के अप्रूवल के बाद ही लागू हुआ था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले एलजी साहब से पूछ लेना चाहिए था। अगर कहीं कोई घोटाला है तो उनको भी सामने खड़ा करना चाहिए, उनके ऊपर भी केस होना चाहिए, उनको भी कटघरे में खड़ा करके सवाल जवाब। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं देगी। उनके अप्रूवल के बाद हुआ तो उनसे पूछा कि नहीं पूछा, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, इस पे कोई पूरी। तो असल बात ये है दीपक भाई, मोटी बात होता है, इसलिए मैं आपको ना जो असल बात है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके जरिए आपके चैनल को देखने वालों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल समझ में आ गया है, किस्मत की कलम में लिख दिया है कि अगर भाजपा को खतरा है तो आम आदमी पार्टी से खतरा है, नाबूद करो। तभी एक के बाद एक लगातार फर्जी केस करना, गिरफ्तार करना, जेल में डालना, ये और कहां हो रहा है, और किसी खिलाफ? भाई भाजपा को ना राहुल गांधी से खतरा है, ना कांग्रेस से, ना किसी और पार्टी की नेता, उनको सिर्फ केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से खतरा है, इसलिए सारी चीजें हो रही है देश के। मैं तो भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूँ, खुल के कह रहा हूँ, आपके बच्चे का सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, आपके जानने वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, उनसे ईमानदारी से पूछना एक बार कि भाई ये मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है, ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ये पहले बताओ, और मुझे आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे थप्पड़ तो नहीं मार सकते, लेकिन जो जवाब दिल्ली के बच्चे देंगे वो जवाब किसी करारे तमाचे से कम ही हुआ, इस बात को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। ठीक है दिलीप पांडे जी, अब मैं आऊंगा बाकी सवालों पर, आऊंगा आपसे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी। डॉक्टर अजय आलोक, बड़ा सवाल उठाया दिलीप पांडे ने, और मतलब अपना पक्ष तो रखेंगे ही, हर पार्टी अपना पक्ष रखती है। उनका कहना है कि इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो बीजेपी के लिए खतरा है। देखिए स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल है तो दोषारोपण एक दूसरे से हो गए, लेकिन मुझे बस ये कहना है एक आम नागरिक की तरह कि अगर आप पे आरोप लगे और एक एजेंसी ने आपको गिरफ्तार किया और आपको न्यायालय भेजा गया है, रिमांड मिलता है नहीं मिलता है, केस आगे चलेगा, केस तो दर्ज हो गया ना भाई, तभी गिरफ्तार आप हुए, तो देश की न्यायिक व्यवस्था का सम्मान नहीं है क्या? राजनीतिक दल में होना या नेता होना आपको पॉलिटिकल इम्यूनिटी देता है कि आप सड़क पर हंगामा कर सकें, आप एजेंसियों पर दबाव ये कह सकें कि उनका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कल को कोर्ट अगर रिमांड दे देती है तो इसका मतलब कोर्ट भी राजनीतिक दबाव में है, तो फिर इस देश में सिस्टम क्या बचा? तो मुझे लगता है ये पहले भी हो चुका, जब ईडी ने पूछताछ की थी राहुल गांधी सोनिया गांधी से तब भी पूरे देश में हंगामा, आज भी 5-6 शहरों में हंगामा। अरे तो एक व्यवस्था एक प्रणाली है। अब देखिए आप, मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, अरविंद केजरीवाल जी गुजरात चुनाव के समय क्या बोल रहे थे, सुनिए। घोटाला है क्या? बट अरविंद जी तो, मतलब वो जैसे अन्ना जी कीचड़ फेंक रहे हैं, जम के कीचड़, रोज कीचड़ फेंक रहे हैं। स्टिंग आ गया जी से, अरे स्टिंग आ गया तो सीबीआई से जांच करा के मनीष कह रहा है मेरे को गिरफ्तार कर लो,
गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे देश नंबर वन नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। नौटंकी मत करो, सवेरे से लेकर शाम तक ड्रामाबाजी करते हो, नौटंकी करते हो, पूरे देश का ध्यान भटकाते हो। इससे देश पीछे जाता है, इससे देश आगे नहीं जाता। अब कौन नौटंकी कर रहा है ये बताइए। ये बात इन्होंने 3 महीने पहले बोली थी। अब आज सीबीआई ने अगर गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में भेज दिया, तब आज का ट्वीट कह रहे हैं कि मनीष बिल्कुल बेकसूर है, उसे राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाया गया है, जनता में बहुत रोष है, जनता जवाब देगी। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? पहले आप बोलते हैं कि पकड़ो, घोटाला हुआ है तो जांच करो, सीबीआई जांच करो, जेल भेजो, वही तो हो रहा है। तो फिर अब इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन प्लग कार्ड खेलने का क्या मतलब है? अब तो न्यायिक प्रक्रिया में आ गया, जांच चलेगी, कोर्ट में बात चली गई है, तो उसका सम्मान कीजिए। और अगर घोटाला हुआ है, सबूत मिले हैं, कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं होती है कि बिना सबूत के, बिना इंक्रिमिनेटिंग केस के किसी को भेज दे, ये आप भी समझेंगे, क्योंकि ये चैलेंज करेंगे अगर ऊपरी कोर्ट में। अगर सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं रहेगा तो कोई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा, एजेंसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। ऐसे देश में एजेंसी नहीं चलती है, ऐसे देश 75 साल से नहीं चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब ये हो गया है तो इस न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि एक ऐसा मंत्री जिसके पास 18 विभाग है और वो घोटाले में पकड़ा जा रहा है, उस पर आरोप गठित हो गए हैं, उसकी रिमांड की कोशिश की ली जा रही है, तो क्या मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी होगी या किसकी जिम्मेदारी होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि सत्येंद्र जैन को अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया, जबकि उनकी याददाश्त भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो ऐसे नहीं चलता है कि आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, वन वे हाईवे नहीं होता है, देश सिस्टम से ही चलेगा। ठीक है, मैं सीधे यह सवाल दिलीप पांडे जी से लूंगा, लेकिन मुदित अग्रवाल जी माफ कीजिएगा, मुझे एक जवाब दिलीप पांडे जी को देने के लिए मौका देना पड़ेगा, क्योंकि तकाजा यही कहता है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दिलीप पांडे जी, इनका कहना है कि ठीक है, आप कानूनी प्रक्रिया का आप सम्मान करिए, पहले ही निर्णय सुना देना कानूनी प्रक्रिया बिना हुए, क्या उचित है? ये डॉक्टर अजय आलम जी का सवाल। बिल्कुल, मैं अजय भाई को बहुत तल्लीनता से सुन रहा था, बहुत सलीके से वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मंच पे बैठ के। एक एक करके मैं उनके द्वारा उठाई गई बातों का जवाब देना चाहूंगा। वो ईडी को भी डिफेंड कर रहे हैं, मैं अजय भाई को बताना चाहूंगा, विश्लेषण में अगर डेटा पॉइंट्स को मिस करेंगे तो आपका विश्लेषण आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। आप राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे इस पैनल में बैठे हुए, पिछले 8 सालों में ईडी ने लगभग 3000 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें से कन्विक्शन रेट मात्र 0.5% है, जो अपने आप चीख चीख कर बता रहा है कि ईडी जो है किस तरह के औजार के रूप में इस देश में काम कर रही है। तो वो एक डेटा पॉइंट आपने शायद मिस कर दिया होगा। रहा सवाल न्यायिक व्यवस्था के सम्मान करने का, तो मनीष जी ने कल ही ट्वीट करके जानकारी दे दी थी, बता दिया था कि मैं दिल्ली के बच्चों के प्यार की ताकत मेरे साथ है, कुछ महीने जेल में रहने पड़ा, कोई मुझे वो दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और सीबीआई के अगर काम करने के तरीकों पर बात करिए तो सीबीआई रिमांड मांग रही है अजय भाई, किस आधार पे? कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट करना क्या होता है? कि सीबीआई जो कहे वो अगर मैं मान लूं तो मैं कोऑपरेट कर रहा हूं, और वो अगर मैं नहीं मानूं तो मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स जिस तरह से ये पार्टी को ट्रीट कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि ये राजनीतिक औजार के तौर पे काम कर रहे हैं, भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पे, उनके सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, ये एकदम एविडेंट है। ऐसा नहीं होता तो चार्जशीट में नाम होता, सप्लीमेंट्री दायर करी उसमें नाम होता, कोई फोटो वीडियो एविडेंस उनको मिला होता। मैं आपको बताऊं सीबीआई क्या कह रही है, कि एक शीट मिली है जिसमें किकबैक का जिक्र किया गया है 6% से 12%। अब क्या मजाक चल रहा है? वो 6% पहले कमीशन हुआ करता था, कमीशन सरकारी कमीशन, कोई रिश्वत नहीं, कमीशन किकबैक नहीं, उसको प्लांट करवाती है सीबीआई किकबैक के तौर पे। वर्ड कैसे प्लांट किए जा रहे हैं, देखिए आप, 12% हुआ है जिसके अप्रूवल से, तो उसको किकबैक बताया जा रहा है। तो इस तरह की सियासत पॉलिटिक्स आपने भी बहुत देखी है जी भाई, हमने भी बहुत देखी है, हम देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है, सबसे अच्छी बात है, उनके अंदर रोष है, गुस्सा है, हम आप जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। ठीक है, मुदित अग्रवाल जी मुस्कुरा रहे थे, मुदित अग्रवाल जी क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी की बातों पर? और आप भी कहते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन आपको घेरने में आप बीजेपी के साथ है, ऐसा क्यों? देखिए मैं बोलूंगा, प्लीज आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं बोल लीजिए, बिल्कुल लीजिए सर, मैं टोक ही नहीं रहा हूं किसी को, शक ना टोकता हूं, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि ईडी और सीबीआई जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बीजेपी और मोदी जी के कहने पे काम करती हैं।
इसके दो एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो सिसोदिया जी के अगेंस्ट एक्शन जो आज हुआ है वो एक साल पहले हो गया होता, वो एक साल पहले जेल में होते। और दूसरा कि क्या वजह है सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर ये एक्शन होता है, बीजेपी के लीडर्स पे नहीं होता? तो कहीं ना कहीं सिसोदिया जी को बचाने में भी मोदी जी का हाथ था पहले, क्योंकि पहले उनको गुजरात में उनकी जरूरत थी कि भाई कांग्रेस को खराब करना गुजरात में, इसलिए पार्टीज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, वरना सिसोदिया जी एक साल पहले जेल में होते, पहली चीज। दूसरी, मैं केजरीवाल जी, ये वही आदमी है ना जो ये कहते थे अगर किसी पे चार्ज लगेगा सबसे पहले रिजाइन करो, जब रिजाइन करोगे उसके बाद जांच होनी चाहिए। आज वो पूरा पलट गए। सिसोदिया जी, मतलब सिसोदिया जी केजरीवाल जी गांधी जी की समाधि पे गए, वही गांधी जी जिनकी फोटो इन्होंने अपने ऑफिस से हटा दी, उनकी समाधि पे गए थे। वही गांधी जी जो ये कहते थे शराब को प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार आई है जिसने इतना ज्यादा शराब को प्रोत्साहित किया है। स्कूल के पास शराबों की दुकान, अस्पतालों के पास शराबों की दुकान, रेजिडेंशियल एरिया में शराबों की दुकान, मतलब इन्होंने कोई हद ही नहीं छोड़ी शराब को पॉपुलराइज करने में। एक के ऊपर एक फ्री ऐसा बना दिया कि जैसे सब लोग सिर्फ बैठ के दिन भर शराब पिए। गांधी जी के बारे में मैंने बताया कैसे उनका नाम का मिसयूज करते हैं। आजकल सिसोदिया जी को भगत सिंह जी से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब जो आदमी करप्शन और लिकर माफिया में इन्वॉल्व है उसका भगत सिंह जी से कंपेयर करते हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आप पार्टी को। देखिए ये केजरीवाल जी जो कहते थे स्टिंग करो मुझे दो मैं तफ्तीश करूंगा, आज एक स्टिंग आया था जिसमें कुलदीप मारवा, सनी मारवा जी के पिताजी थे, जो एक्यूज नंबर 13 है महादेव लिकर वाले FIR में जो 17 अगस्त को फाइल हुई थी, उसके अंदर वो क्लियरली कह रहे हैं 2-12% कमीशन इसलिए हुई थी क्योंकि 6% ये लोग किकबैक लेते थे, पैसे लेते थे, और भी काफी चीजें उसके अंदर कही गई। भाई उसका भी तो जवाब दो। अब वो स्टिंग है नहीं, रेड की बात होती है। सिसोदिया जी बार बार कह रहे हैं, केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं भाई रेड होने वाली है, रेड होने वाली है। जब वो बार बार कह रहे हैं रेड होने वाली है तो इतने बेवकूफ तो नहीं है ये लोग कि अपने घर पे लगते हैं। तो ये कहना जी रेड में कुछ नहीं मिला, इससे क्या मतलब होता है? जो आपसे सवाल पूछे गए हैं आप सवालों का किसी का जवाब देने को तैयार नहीं हो, आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हो। बच्चों से कैसे, बच्चों की जिंदगी से कैसे खेल रहे हैं? अरे स्कूल पे आप एजुकेशन पे बात कर लो ना, सारी पोल वहां भी खुल जाएगी। किसी बात का जवाब नहीं देना। सबसे बुरी बात, अब ये सुन लीजिए ध्यान से, मार्च अप्रैल 2021 में जब लोग मर रहे थे दिल्ली में, जब अस्पताल नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उस समय सिसोदिया जी केजरीवाल जी प्राइवेट प्लेयर्स को मदद करने के लिए लिकर पॉलिसी बना रहे थे। मतलब कहीं थोड़ी तो शर्म होती, ठीक है? उस समय लोगों को जरूरत थी, उनकी तकलीफें दूर हों, उनके घर में मौतें हो रही थी, वो सब छोड़ के लिकर पॉलिसी बनाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि खुद का फायदा कैसे हो, क्योंकि पंजाब इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए थे ना, 2 नंबर के, सारा काम उसलिए हो रहा था। आज तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहां पे सिसोदिया जी या केजरीवाल जी ने स्पेसिफिक सवालों के जवाब दिए? ठीक है, आप पर आरोप है दिलीप पांडे जी। लास्ट टेन सेकेंड, जैसे मोदी जी अडानी पे जवाब नहीं देते, जैसे इस बात का जवाब नहीं दिया जाता कि MCD ने जो बीजेपी शासित है क्यों अलाउ किया कि लिकर की दुकानें रेजिडेंशियल इलाकों में खोली जाए मास्टर प्लान को दरकिनार करके, वैसे ही केजरीवाल जी और सिसोदिया जी भी कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, सीधे दिलीप पांडे जी आप पर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि आप तो एक मिनट मैं तस्वीरें दिखा दूं। दिलीप पांडे जी आप अपनी बात लगातार कहते रह सकते हैं, अगर रुकूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा, क्योंकि इस वक्त जो है तस्वीरें आ रही हैं, सिसोदिया जी को 5 दिन की CBI रिमांड मिल चुकी है, CBI कस्टडी मिल चुकी है, और थोड़ी देर में उन्हें बाहर निकाला जाएगा कोर्ट से और वापस CBI हेडक्वार्टर ले आया जाएगा। दिलीप पांडे जी आप पर आरोप है बीजेपी का, आप कांग्रेस पार्टी का भी, उनका कहना है कि आप मुख्य सवालों से बच रहे, उनके जवाब ही नहीं दे रहे और इमोशनल कार्ड खेल रहे। जी, दीपक भाई मैं तो बड़ा ध्यान से सुन रहा था और जो रिस्पांस मुदित भाई का था वो एक्सपेक्टेड रिस्पांस है। कांग्रेस आज जो है इस एक्शन को चीयर अप कर रही है, लेकिन जब यही एक्शन ED, CBI और इनकम टैक्स, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी। दिलीप पांडे जी आपका जवाब आप दे सकते हैं नए सिरे से। दीपक जी अगर कल की हमारी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आज जो कुछ भी हुआ वो हमने कल बता दिया था। इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ प्रीस्क्रिप्टेड है, पहले से ही कौन सा मोहरा, कौन सा प्यादा, कौन सी चाल चलेगा, कौन से खाने पर बैठेगा जाके,
ये सीबीआई ने फिक्स करा। हमने पहले बताया था कि भाई इतने दिन की डिमांड की कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग करेगी सीबीआई, वो उनको मिल जाएगा। एक बात तो ये है, तो इसमें ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन प्रोसेसेस के हिसाब से और जो चर्चा हुई कोर्ट रूम के अंदर वो हमने आपने सबने देखी, इस तरह की रिमांड हमें लगता है कि ये रिक्वायर्ड नहीं थी, बिकॉज कोई इस बात का जवाब नहीं था सीबीआई के वकील के पास जब उनसे पूछा गया कि आप जांच कर रहे हो इस बात की कि कमीशन बढ़ा 6-12%, तो इसका फाइनल अप्रूवल एलजी ने दिया, उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा और उनकी जांच क्यों नहीं हो रही, इस बात का कोई जवाब कोर्ट के सामने नहीं दिया। एक बात, दूसरी बात, ऐसी कौन सी जांच रिमांड में लेके सीबीआई करेगी जो पिछले 8 महीने में पूछताछ नहीं कर पाई, ऐसी कौन सी पूछताछ कर लेगी 5 दिन में, ये भी कोर्ट ने पूछा लेकिन सीबीआई ने इसका भी जवाब नहीं दिया। और हमारे साइड के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन और क्या स्टैंड रहता है इस तरह की कस्टोडियल इंटरोगेशन के ऊपर, उस पक्ष को रखते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट ने उस बात को साइलेंट किया और ये रिमांड दिया है। तो ये पूरा का पूरा खेल रचा गया है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसा ही सब कुछ हो रहा है जो हमारे स्टैंड को विंडिकेट करता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पे काम कर रहे हैं। इनके सेल जिसने यूथ विंग होता है, महिला विंग होता है, वैसे ही ये काम कर रहे हैं और पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के सर को कुचलने की लगातार कोशिश कर रही है। ये सारा सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड अहंकार का प्रमाण है। ठीक है, जवाब, अहंकार है आप में, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि भाई एलजी की जांच क्यों नहीं हो रही, ये सवाल भी आम आदमी पार्टी उठा रही है। देखिए दीपक जी, बड़ा आश्चर्य है, अभी अभी दिलीप पांडे जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनको देश की न्याय व्यवस्था पे भी कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि वहां पर ये कोर्ट में सुनवाई हुई, ऐसा हुआ, और फिर भी जो है उनको रिमांड दे दिया गया। तो इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप न्यायपालिका के भी इसको नहीं मान रहे, तो आपको तो किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं साहब, आप तो केवल केजरीवाल जो कहे वही सही, ना कोई खाता ना बही, और ये काम आप पहले से करते आए, और इसी के लिए आपको कई बार माफी भी मांगनी पड़ी है। दीपक जी, मैं पहले ही 10 नाम गिनाया, उसका एक जवाब नहीं आया इनसे कि 10 लोग कैसे जेल चले गए आपके, और फिर मैंने पूछा कि कितने हैंडसेट क्यों तोड़े गए, ये आपके डिप्टी सीएम 16-16 हैंडसेट चार सीम तोड़ दिए, 16-16 हैंडसेट क्यों तोड़ दिए, किस बात के लिए, क्योंकि एविडेंस न मिल सके, यही तो पूछ रहे हो, तो आपके पास उसका जवाब नहीं होता है। अभी अभी दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने ये सब कल ही बता दिया था, अरे साहब आपको तो पता ही है कि ऑलरेडी होगा, जब वो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तो कोर्ट में पेशी होगी, कोर्ट में पेशी होगी तो रिमांड भी होगा, और वैसे तो आपके बड़े बड़े सूत्र हैं, आप तो गुजरात चुनाव के समय कहते थे कि आईबी ने हमें, अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में कहते थे कि आईबी हमें बता रही है, गुजरात की आईबी, 128 सीट हम जीत रहे हैं, आज आपको सीबीआई ने बता दिया था सुबह सुबह, मतलब झूठ बोलने की भी कोई इंतहा होती है, इतने बड़े झूठे आप लोग हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं, मैं अभी कहना चाहता हूं दीपक जी कि जो भी एक मिनट बता देता हूं, केके जी आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, ये गाड़ियों का काफिला आ रहा है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड दी गई है, सीबीआई कस्टडी दी गई है, और ये गाड़ियों का काफिला मनीष सिसोदिया को लेकर अब सीबीआई मुख्यालय पहुंचा है, जिसके हवालात में उन्हें रहना पड़ेगा। शर्मा जी अपनी बात कम्प्लीट करिए। कोई भी कानून बनेगा, कोई भी आप पॉलिसी बनाते हैं, तो वो पॉलिसी कौन बनाता है, वहां की राज्य सरकार बनाती है, आपने बनाया, कैबिनेट ने आपको, आपने कैबिनेट से अप्रूवल किया उसको, और आप उसके आरोप लगा रहे हो गवर्नर पर, और यदि गवर्नर से ऐसा है तो आपको एक दस्तावेज ले आते हैं, आज तक 1 साल में तो कभी कुछ दिखाया नहीं आपने, और आपने जो पॉलिसी बनाई आपकी कैबिनेट से पारित किया आपने, यही तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप परमिशन, कई निर्णय आपने इसमें, जैसे है कि दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने नॉन कंफर्मिंग वार्डों के बजाय कंफर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकान देने के खोलने के लिए कोई परमिशन ही नहीं लिया, केंद्र सरकार उससे परमिशन की जरूरत थी उस समय, आपने जो है कई इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन लिए जिसके लिए आपको परमिशन लेना था केंद्र सरकार से, इसीलिए तो एक खुला सारा मामला, और ये सारे मामले जो खोले हैं दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपने रिपोर्ट में लिखे ये सारी बात, तब तो ये खुल के बाहर आया है।
तब आपको लग गया कि अब हम फंसने वाले। अभी भी ये दिलीप भाई बताएं कि किस कारण, क्या कारण था कि आपने पॉलिसी इतनी बेहतरीन पॉलिसी बनाई, तो क्या कारण था कि आपने वापस ले लिया? ठीक है, जवाब ले ले। जैसे ही मामला खुला एक डेढ़ महीने के अंदर मामला वापस हो गया, आपने पूरी पॉलिसी बदल ली। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोई जवाब भी नहीं देंगे, इनको केवल यह बताना है डर गई, भाग गए, ये हो गए। अरे जनाब, इससे नहीं होगा। ठीक है, मैं आपकी का सवाल पूछता हूँ। के अग्रवाल जी का आरोप है कि अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली? दिलीप पांडे जी, ये आरोप के शर्मा जी ने लगाया है। के शर्मा जी ने ना बातों बातों में बड़ी एक अच्छी बात कह दी। अब इसके लिए उनको जब वो जाएंगे डिबेट से हट के तो डांट भी पड़ेगी, जहां से इनको भेजा जाता है डिबेट पे, वो डांटेंगे भी इनको। इन्होंने कहा कि भाई पॉलिसी कौन बनाता है भैया, पॉलिसी किसको डांट पड़ेगी, जिसको डांट, ये सब हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। अरे केजरीवाल थप्पड़ मारे मुख्य सचिव को, समझ गए? ये बदतमीजी आपके यहाँ चलती है शर्मा जी, नाराज मत होइए। मैं तो सहजता से अपनी बात, आपको विषय में बात करने की जरूरत है। फिर से अपने अपने संस्कार से, अपने अपने व्यवहार से, अपना परिचय, मैंने व्यक्तिगत बातों पे नहीं जाओ ना तो दिलीप पांडे में तुम्हारी भी चीजें गिनाऊंगा। अरे क्या समझते हो कि मैं जानता नहीं आपको? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? दोनों से रिक्वेस्ट, मुझे एक बार सीबीआई मुख्यालय जाना पड़ेगा जितेंद्र के पास। जितेंद्र बताइए क्या हुआ? अब रुक जाइए के भाई, रुक जाइए, मैं जितेंद्र के पास जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकिंग न्यूज, मनीष सिसोदिया वहाँ पहुंच चुके हैं। मैं जितेंद्र, एक क्विक कमेंट आपका। देखिए दीपक जी, मनीष सिसोदिया 5 दिन की रिमांड के लिए जो सीबीआई के लिए दी गई है, उसको सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर के सीबीआई हेडक्वार्टर वापस पहुंच चुकी है। अब से कुछ सेकंड पहले जो मनीष सिसोदिया है वापस सीबीआई हेडक्वार्टर आई है, सीबीआई की टीम उनको लेकर के आई है। अब शनिवार 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया यहीं पर रहेंगे। हालांकि क्या क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से जो कोर्ट ने कोई कंडीशंस लगाई है कि उनके परिवार के लोग मिल सकते हैं या नहीं, या किसी तरह की उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट लगाई गई थी या नहीं लगाई गई थी, ये जब अदालत का डिटेल ऑर्डर आ जाएगा उसमें ये पता लगेगा कि किस किस तरह की इनकी तरफ से रिक्वेस्ट लगाई गई थी और उसको लेकर के कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है। लेकिन अब की बड़ी खबर ये है कि मनीष सिसोदिया को वापस सीबीआई हेडक्वार्टर लाया गया है, जहां पर वो शनिवार 4 मार्च तक अब सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। और इस दौरान जो एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है दीपक जी, वो ये रहेगा कि हर 24 घंटे के अंदर मेडिकल आरोपी का कराया जाए। तो ये एक जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है वो निश्चित तौर पर रहेगा। और उसके अलावा अगर किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट की गई होगी मनीष सिसोदिया की तरफ से, उसे अदालत की आदेश पर माना जाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, आपने पूरी अपडेट हमें दी। सीधे चलता हूँ दिलीप पांडे जी के पास। दिलीप पांडे जी, अपनी बात कंक्लूड कीजिए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त हमारे पास बचा है। जी जी बिल्कुल, शर्मा जी इस बात पर नाराज हो गए कि उनको डांट पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही बड़े भाई है बेचारे के, क्यों नाराज तो पता नहीं। एनीवेज, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, डांट की परंपरा आपके यहाँ है, पहले सुन लो। ये केजरीवाल का बयान है कि इसके नेता के पीछे हाथ मारो। मैं दोनों को रोकूंगा प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन